बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के बेहद करीब दोस्त बाबा सिद्दीकी की बीते शनिवार 12 अक्टूबर को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने राजनीति और बॉलीवुड जगत को हिला कर रख दिया था। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं एनसीपी नेता के हत्याकांड के 6 दिन बाद अब सलमान खान को फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि सलमान खान को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज में वार्निंग दी गई कि अगर पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो अभिनेता को बाबा सिद्दीकी की तरह ही मारा जाएगा। धमकी भरे मैसेज में कहा गया, इसे हल्के में ना ले, अगर सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करनी है तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो उनकी हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस अब मैसेज से सोर्स का पता लगाने में जुट गई है। इन सब के बीच सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर भी पुलिस का पहरा बढ़ गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। वहीं अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से तो हर कोई सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं एक्टर की फैमिली ने कुछ दिन पहले अपील की थी कि इंडस्ट्री के दोस्त और करीबी सलमान से फिलहाल न मिलें।